दोस्तों ये मेरा घर का मुर्गा है और मुर्गी, ये पाल के रखा हूँ। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करना। और काम के अलावा अभी तो यही सब करता हूँ, खेती और उसके बाद बैल बकरी सुअर मुर्गा है, इसी से चल जाता है। इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है, फ्री में मेरा घर है, बिना पैसा खर्चा किए तो बिजनेस कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों काम के अलावा भी छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूँ मैं, घर में मुर्गा देखा उसका बिजनेस कर लेता हूँ, उससे सालाना कुछ निकल जाता है। अगर घर में कोई दिक्कत हुआ, बेची की जरूरत हुआ तो उसी से बच्ची को बेच के निकाल लेता हूँ। उसके बाद बकरी भी है, बैल है और सुअर भी गाँव में ज़्यादातर लोग को यही बिजनेस करते हैं कि सबका घर में भेड़ बकरी मुर्गा तो रहता ही है। और गाँव में ऐसे पैसा का दिक्कत उतना नहीं होता है क्योंकि उसी से पैसा आ जाता है। और मेरा काम भी है, काम से भी थोड़ा कुछ मिलता है, उसी से मेरा चल जाता है। लेकिन आजकल तो क्या हुआ, थोड़ा में तो कुछ नहीं होता है, हर किसी को चाहिए थोड़ा कुछ। तो दोस्तों ये मेरा थोड़ा कुछ खेती किया है अपने बगीचे में, ये देखिए ये क्या है, क्या है क्या है, ये है तीता केरेला, तो घर में आज यही बनेगा। और ये है मेरा मिसेस नाग, ये सब्जी है, सब्जी है इधर, ये है तीता केरेला करेला, और ये हो गया आपका कुंडली, और इसको बोलता है हम लोग उद्रुम टेंगा, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। एक दिन यही सब सब्जी का ब्लॉग बनाऊंगा। और ये है टकू पात, इसको क्या पात बोलते हैं मालूम नहीं। ये है कोचू, देखिए हो गया सब्जी के लिए, अब यही बनेगा। और ऐसे तो ये करेला हमको पसंद नहीं है, बिल्कुल एकदम टेस्टी नहीं लगता, घटिया लगता है, एकदम घटिया। तभी क्या करेगा, खाना तो पड़ता है, जो बनता है उसी को खाना पड़ता है। और ये है कोचू सारू, वो क्या बोलते हैं मालूम नहीं, क्या बोलता होगा। और ये है मेरा घर का पिछवाड़ा, तो दोस्तों आप लोगों को मेरा परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा परिचय है, आप लोगों को मालूम तो हो ही गया मेरा नाम। और मेरा विलेज है लामा गांव, और पोस्ट ऑफिस पड़ता है मार्गेरिटा डिस्ट्रिक्ट तिनसुकिया आसाम।
जैसे कि मुझे भी वीडियो बनाने का बहुत शौक है, तो इसीलिए एक चैनल खोला हूँ, विलेज बॉय रामनाग। तो अभी हो गया, मैं काम से छुट्टी होके आया, तो क्यों ना मेरा बगीचा थोड़ा दिखाऊं। और इसमें ये जो देख रहे हैं आप बांस है, बांस, उसके बाद बांस यानी बेम्बू, वो हल्दी है। उसके बाद काम के अलावा भी मैं थोड़ा घर में छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी वीडियो में कि मुर्गा है, बैल है, बकरी है, उसके बाद सुअर है, उसी से सालाना कुछ निकल जाता है। और मेरे घर में है मेरे माँ बाबा, बहन तीन है, मैं हूँ और मेरा वाइफ है, तो इसी से कुछ निकल जाता है। मेरा परिवार से भी आप लोगों को मिलाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरा चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग सबसे पहले पाइएगा। तो ये विलेज बॉय को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, और आप लोग के दुआ के बिना तो कुछ आगे होगा ही नहीं, आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मेरा चैनल बढ़ेगा तो सिर्फ आप लोगों के दुआ, लाइक शेयर कमेंट। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और आने वाला समय में बहुत ही तगड़ा तगड़ा आप लोगों को ब्लॉग दिखाने वाला हूँ, यहाँ का जगह दिखाने वाला हूँ, और बहुत ऐसे कुछ है जो इस गांव में कुछ ऐसी बात है जो आप लोगों ने कभी देखा नहीं है या सुना नहीं होगा, वो सब वीडियो भी मैं इसी चैनल पर मिलता रहेगा आप लोगों को। तो यही बस कहना था, और आज का ब्लॉग यही पे समाप्त करता हूँ। तो तब तक के लिए जोहार और जय हिंद।